सी मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में हमें क्या पढ़ना है? इसमें एक फैमिली पढ़नी है सोलेनेसी, तो एक फैमिली पढ़नी। एक फैमिली पढ़नी है सोलेनेसी। इसमें क्या क्या हम देखेंगे इस फैमिली में? सोलेनेसी में क्या क्या देखना है? तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो फ्लोरोसेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ साइमोस इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। हर जगह आपको रेसिमोस मिलेगा, तो यहाँ साइमोस मिलेगा, एक्सिलरी मिलेगा, एक्सिलरी मिलेगा। फ्लावर कैसा है? फ्लावर के बारे में पूछा जा सकता है। फ्लावर कैसा है? फ्लावर हमेशा आपको बाइसेक्सुअल मिलेगा। कंप्लीट है, बाइसेक्सुअल होगा तो इसको कंप्लीट भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल सारे सेक्स ऑर्गन्स होंगे, सेपल पेटल सब पाया ही जाएगा, चारों वाल्स है। एक्टिनोमार्फिक है। एक्टिनोमार्फिक का क्या मतलब होता है? एक्टिनोमार्फिक का मतलब फ्लावर को कहीं से काटे, फ्लावर इक्वल हाफ में बढ़ जाए। एट एनी प्लेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड टू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन, तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। इसका कैलिक्स कैसा है? कैलिक्स कैसा है? तो कैलिक्स मतलब सेपल फाइव है। ये जुड़े हुए हैं गैमोस से, प्लस है गैमो से, प्लस है, फ्लूइड है, यूनाइटेड है। दूसरी बात, कैलिक्स की परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का क्या मतलब हुआ? इसका कैलिक्स परसिस्टेंट, इसका कैलिक्स जो है वो फूट से लगा होता है, जैसे बैगन है तो कैलिक्स चिपका होगा इसमें, ये अलग नहीं होता, तो इसको बोलेंगे परसिस्टेंट, इसको बोलेंगे परसिस्टेंट, परसिस्टेंट हो गया। ये थोड़ा सा परसिस्टेंट लेंगे। और एस्टिमेशन कैसा है? वाल्वेट एस्टिमेशन। वाल्वेट एस्टिमेशन में क्या होता है? कोई एज सेपल का कवर नहीं करता, ढकता नहीं,
वॉल्वेट एस्टिमेशन हो गया। एंड्रोसियम कैसा है, कैलिक्स कोरोला कैसा है, कोरोला भी 5 है, पेटल्स 5। गैमोपेटलस से फ्यूज है, गैमो वो सेपलस था, ये पेटलस हो जाएगा, पेटल है तो पेटलस हो जाएगा। और एस्टिमेशन वॉल्वेट, वॉल्वेट एस्टिमेशन होगा। एंड्रोसियम कैसा होगा, एंड्रोसियम कैसा होगा, स्टेमेंस 5। और ये पेटल से जुड़े हैं इसलिए बोलेंगे ईपी पेटलस। गाइनेशियम कैसा है, गाइनेशियम कैसा है, कार्पेल 2 है, बाई कार्पेलरी 2 चैम्बर, बाई कार्पेलरी 2 कार्पेल है, ऑब्लिक है, टेढ़े हैं, सिन कार्पस है। सिन कार्पस का मतलब फ्यूज है, दोनों कार्पल आपस में फ्यूज है। एक्साइल प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्रेजेंटेशन हो, एक्साइल प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, ये ओवरी है, एक्साइल एक्सिस है, यहां पर ओव्यूल लगे हुए हैं, ओव्यूल अगर एक्सिस पर लगे हो एक्सिलरी। ये 2 कार्पेल अलग अलग है, बाई कार्पेल भी हो गया। ऑब्लिक है, ऑब्लिक है, 2 लॉक्यूल है, एक्साइड प्रेजेंटेशन समझ गए, एक्सिस से जुड़ा हुआ है, एक्साइड प्रेजेंटेशन है। रूट कैसा है, रूट की बात आती है अक्सर, तो फ्रूट इसका बेरी है, फ्रूट इसका बेरी है। फ्लोरल फार्मूला क्या होगा, ये याद करने वाली बात है, समझने वाली बात। फ्लोरल फार्मूला में हम ये सिंबल लगाते हैं एक्टिनोमॉर्फिक का, ये सिंबल लगाते हैं बाइसेक्सुअल का, के कैलिक्स के लिए लिखते हैं 5 सेपल है, ये फ्यूज है, गैमोसेपल से ब्रैकेट में लिखती है कैलिक्स। कोरोला कितने हैं, पेटल कितने हैं, 5, इन ब्रैकेट, ये भी गैमो पेटलस हो गया, फ्यूज है।
स्टेमन कितने हैं? 5। लेकिन ये स्टेमन्स ईपी पेटलस है, पेटल से फ्यूज है, तो ये निशान लगाएंगे पेटल से फ्यूज। गाइनेशियम दो कार्पल है, ब्रैकेट लगा दिया, मतलब सिन कार्पस है, कार्पल फ्यूज है, अंडरलाइन कर दिया, ओवरी सुपीरियर है, यहां लिखेंगे ओवरी सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर हो गया, तो ये जान जाए। इसके बाद एक चीज और जान जाए, कैसे इसका फ्लोरल फार्मूला हो गया, फ्लो डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये मदर एक्सिस बना लिया, एक सर्किल डॉट का बना लीजिए, ये सर्किल कैलिक्स कैलिक्स की हो गई, एक सर्किल कोरोला की बना लीजिए। कैलिक्स को थोड़ा सा तिरछे ऐसे बनाएंगे, ये कोणाकार हो गए, नीचे वाला कैलिक्स ये भी ऐसे, ये बगल वाला कैलिक्स है, त्रिकोण बनेगा, फ्यूज होता है, ये फ्यूज दिखा दिया, आपस में जुड़ा हुआ है, गैमो सरप्लस है, पेटल किसी को कवर नहीं किया, ढक नहीं रहा है, तो वाल्वेट एस्टिवेशन है, ये सेपल हो गया, सेपल को हम ऐसे ऐसे करके लाइन से खींच देते हैं ये बताने के लिए कि ये सेपल्स है। ये सफल हो गया पेटल, अब इसके बीच में यहां से उठाएंगे, अब पेटल को राउंडेड अर्धचंद्राकार बनाएंगे, इसके सीट में इसका मिड पॉइंट होगा, ऐसा बनाएंगे। अब ये भी किसी को कवर नहीं कर रहा है, तो ये वाल्वेट एस्टिवेशन है, और फ्यूज है तो गैमोपेटलस होगा। अब यहां से जहां जहां से ये बीच में दिख रहा है वहीं से स्टैमर निकाल लेंगे, और ये इसको स्टेमन 5 हो गए, पेटल्स जुड़े हुए हैं, ईपी पेटल्स हो गया। इसके बाद बीच में ओवरी दिखाएंगे, ओवरी ऑब्लिक है, थोड़ा सा तिरछा दिखाएंगे, ये दो कार्पल हो गए ऑब्लिक, और इसका ओव्यूल जो है उसके एक्सिस से है, तो एक्सिलरी हो गया, ये तो ये फ्लोरल डायग्राम हो गया, ये फ्लोरल फार्मूला है, इससे कंपेयर करते जाएंगे। इसका मतलब कहीं से भी काटे दो इक्वल हाफ, ऐसे काटे ऐसे काटे ऐसे काटे,
देर आर सो मैनी प्लेन्स एट विच फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। ये बाइसेक्सुअल है, स्टेमेन है, ओवरी दोनों है, के फाइव है, ये फाइव है, इन ब्रैकेट में है मतलब जुड़े हुए हैं, सी फाइव इन ब्रैकेट है, सब जुड़े हुए हैं, वाल्वेट एस्टिमेशन है। हाँ, कैलिस को बनाते समय, सेपल को बनाते समय ये ऐसे तिकोना होता है, और पेटल बनाते समय अर्धचंद्रक का, ये सेपल और पेटल बनाने में अंतर देखते। स्टैमेंस फाइव है, कैलिक्स से जुड़ा, कोरोला से जुड़ा हुआ है, कोरोला जुड़ा हुआ है, ईपी पेटलस इसको बोलेंगे। ये दो कार्पल है, दो कार्पल दिख रहे हैं, दोनों कार्पल फ्यूज हैं, फ्यूज दिख रहे हैं, ओवरी सुपीरियर वैसे नहीं दिखेगी, ये आप जान जाए। तो कम से कम फ्लावर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक ही फैमिली है इसका, फ्लावर पड़ जाइए मन लगा है, कभी भी आएगा वो बड़े आराम से बता देंगे। टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी जानिए, क्या टर्मिनोलॉजी जानना है, जैसे हम बोलते हैं गैमो से प्लस, गैमो से प्लस का क्या मतलब है, गैमो मतलब फ्यूज, सेपल। तो इस फैमिली में गैमो से प्लस मिलेगा, गैमो पेटलस भी मिलेगा, फ्यूज्ड पेटल, इनकी एज फ्यूज होंगी, लेकिन एस्टिवेशन हमेशा वाल्वेट होगा, वाल्वेट एस्टिवेशन होगा। ये याद रखिए, एस्टिवेशन दोनों केस में, सेपल पेटल दोनों केस में, ओवरी सुपीरियर और इन्फीरियर की बात आती है, तो ज्यादातर जो पढ़ना है आपको ओवरी सुपीरियर पढ़ना है, बहुत रेयर केस में आपको ओवरी इन्फीरियर मिलेगी, तो ज्यादातर सुपीरियर मिलेगा। सुपीरियर का क्या मतलब होता है, ये थैलमस है, इस थैलमस में सबसे ऊपर यहां पर ओवरी पाई जाएगी, इसके नीचे यहां स्टेमन होंगे। तो ओवरी ऊपर हो गई, इसके बाद यहां आपको पेटल्स मिलेंगे, फिर आपको सेपल मिलेगा। तो ये आपको ओवरी सुपीरियर हर जगह मिलेगा, एस्टिवेशन आपको कई तरह से मिल सकते हैं, वाल्वेट है, ट्विस्टेड है, ब्रिकेट है, ये थोड़ा जानना पड़ेगा। मतलब अगर सेपल या पेटल का एज एक दूसरे को केवल टच कर रहा है, कवर नहीं कर रहा है, ये वाल्वेट है। अगर ऐसा है, एक एज हमेशा कवर्ड है, एक एज हमेशा फ्री है, ये देखिए इसको बोलेंगे ट्विस्टेड, वन एस फ्री वन कवर्ड, फ्री कवर्ड, फ्री कवर्ड,
कवर्ड, प्री कवर्ड, एक एस प्री एक कवर्ड, दुष्ट इम्ब्रिकेट क्या होता है? इम्ब्रिकेट में एक आपको सेपल मिलेगा जिसका दोनों एज प्री हो, एक मिलेगा दोनों एज कवर्ड होगा। बाकी ऐसे मिलेंगे फ्री कवर्ड, प्री कवर्ड, प्री कवर्ड, ये फ्री कवर्ड, फ्री कवर्ड, फ्री कवर्ड, ये कैसा है? ट्विस्टेड जैसा। तीन इसके ट्विस्टेड जैसे होंगे, एक का दोनों एस फ्री होगा, एक का दोनों एस कवर्ड होगा, इसी को बोलते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन, वन पेटल हैज बोथ एस फ्री, वन पेटल हैज बोथ एस कवर्ड, रेस्ट इज वन सेपल वन कवर्ड। तो इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, वाल्वेट, ये ज्यादातर पूछा जाता है। टर्मोलॉजी पूछी जाती है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, जाइगोमॉर्फिक क्या है, पूछा जाता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अब आपको एक जाइगोमॉर्फिक भी बता दें। जाइगोमॉर्फिक, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय सिंगल प्लेन, यह सिंगल प्लेन है। फ्लावर सिंगल प्लेन बाय विच फ्लावर कैन बी डिवाइडेड टू इक्वल हाफ, कोई दूसरा प्लेन नहीं है। इन सब में पेटल्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे एक पेटल बड़ा है, दूसरा दूसरे ढंग का है, बाकी सब दोनों आपस में फ्यूज हैं। इसको हम यहीं से बांट पाएंगे। ये कहाँ मिलेगा? मटर में मिलेगा, पी में। जाइगोमॉर्फिक, इसका सिंबल क्या होता है? परसेंटेज। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल क्या होता है? ये एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है। कहीं से भी फ्लावर को दो इक्वल हाफ में बांट दीजिए, केवल एक प्लेन से फ्लावर को दो इक्वल बांटिए, जाइगोमॉर्फिक, सिंगल प्लेन है।